हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सॉर्टिंग के बारे में, सॉर्टिंग का टाइप पढ़े थे, फर्स्ट सॉर्टिंग का टाइप पढ़े थे बबल सॉर्ट। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शन। तो सॉर्टिंग मतलब हम बताए थे आप लोगों की क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, एंड टुडेज आवर टॉपिक इज इंसर्शन सॉर्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग का जो एग्जाम होगा बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें पांच सॉर्टिंग में से कोई एक आता है क्वेश्चन, या तो आपको आएगा इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, या आपको आ जाएगा बबल सॉर्ट। तो आज हम लोग करेंगे इंसर्शन सॉर्ट, आगे का और जो सॉर्टिंग है वो हम लोग जाकर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं, इंसर्शन सॉर्ट में भी हम लोग अरेंज करते हैं और कैसे करते हैं वो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं और आप लोग का हर एक डॉट क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप फ्रेंड्स, आप लोग इसको कैसे ये करते हैं। और मैं एक चीज आप लोग को बताना भूल गया कि पहले अरेंज कर देते कि मतलब इंसर्शन सॉर्ट में अगर हम लोग एन सॉर्ट निकाल लो, एन सॉर्ट निकालना है तो उसका कितना बड़ा स्टेप आएगा, एन माइनस वन पास तक आ जाएगा। पास मतलब यहाँ पर कितना, एक दो तीन चार पांच छह सात, मान लीजिए एन सॉर्ट है तो इसका हम लोग कितना पास में करना पड़ेगा, एन माइनस वन सात माइनस एक छह पास में करना पड़ेगा। पास मतलब आप लोग स्टेप में करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्या है, एन शॉर्ट में एन माइनस वन पास कर करना पड़ेगा, सात शॉर्ट है तो इसका छह स्टेप में ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि इंसर्शन शॉर्ट में कि जितना एलिमेंट रहेगा उससे एक अगर माइनस कर ले तो उतना स्टेप में हम लोग का जो शॉर्टिंग है एग्जैक्ट ये में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं और एक चीज, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हमें पूछ सकता है, क्या होता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। बीटी इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, जीरो ओ एन स्क्वायर, सॉरी ओ एन स्क्वायर इज द फॉर्मूला। एग्जाम में आप लोग को पूछ सकता है कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ओ एन स्क्वायर होता है। और हम लोग कैसे निकालते हैं, जितना हम लोग का वैल्यू रहेगा उसमें से अगर एक माइनस कर दे तो वो क्या आ जाएगा, हम लोग का उतना स्टेप में इंसर्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं इंसर्शन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है, पहले हम लोग करेंगे हम इसको कैसे करते हैं, सेवन है, पहले हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या रहेंगे, सेवन एट, ये क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर फाइव आ जाएगा, टू आ जाएगा, फोर सिक्स थ्री। अब हम लोग इसको लाएंगे, इसको हम लोग कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दें, इसको हम लोग लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये फाइव कहां पे आ जाएगा, सबसे पहले में आ जाएगा, क्योंकि सेवन से भी छोटा है, एट से भी छोटा है। तो फाइव आ जाएगा, फिर सेवन आ जाएगा, फिर एट आ जाएगा, फिर यहाँ पे टू फोर सिक्स थ्री। अब हम लोग टू को हमको शॉर्ट करना है, तो टू के फाइव से भी छोटा है तो आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे टू फाइव सेवन एट फोर सिक्स थ्री। अब हम लोग फोर को करेंगे तो टू के बाद फोर कहां आ जाएगा, फाइव से पहले, तो देखिए फोर आ गया, उसके बाद फाइव सेवन एट, फिर सिक्स है, फिर थ्री। ये देखिए ये सब एक मतलब शॉर्टेज है, मतलब देखिए ये भी इतना तक शॉर्टेज है, ये भी शॉर्टेज है, ये भी एक मतलब पार्टिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉर्ट करने के लिए चार पांच के बाद रखेंगे छह तभी सॉर्ट होगा, अगर यहाँ पे रखेंगे तो अनसॉर्ट हो जाएगा। तो क्या छह फिर सात फिर आठ फिर तीन, अभी अब क्या हो गया, यहाँ तक ये क्या हो गया सॉर्टेड पोर्शन हो गया और ये अनसॉर्टेड हो गया। तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इंसर्शन सॉर्ट। क्या कर रहे हैं हम लोग को, जो एक एक स्टेप में देखे हम लोग बोले थे सात में थे, तो एक दो तीन चार पांच छह स्टेप, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, छह स्टेप में हम लोग का ये क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया,
ये रिजल्ट आ गया। ये भी क्या होता है, हम लोग इंसर्शन सॉर्ट है, मतलब हर एक मतलब सॉर्टेड पोर्शन को बाहर कर दिया जाएंगे, उसके बाद इसको सॉर्ट करेंगे तो जो जैसे सॉर्ट होगा वहां पे लिखा जाएंगे जिसके जिससे छोटा रहेगा। ऐसे कर करके हम लोग एक एक सॉर्टेड करते जा रहे हैं, यही हम लोग का इंसर्शन सॉर्ट। और हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करेंगे और इसी तरीका से इसको समझ जाएंगे। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सिक्स फाइव फोर टू थ्री, ये हम लोग को तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब कितना आएगा, एन कितना है, कितना स्टेप में शॉर्ट होगा, कितना पास है, एक दो तीन चार पांच, पांच है अनशॉर्ट, अनशॉर्ट तो शॉर्ट कितना हो जाएगा, कितना स्टेप में होगा, पांच माइनस वन में क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, फोर स्टेप में ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, तो चार स्टेप में ये शॉर्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो फॉर्मूला है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए करते हैं क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप लेंगे, ये एक को हम लोग शॉर्टेड मानेंगे, अब इसको इधर मानेंगे, ये अगर सिक्स के बाद देखेंगे फाइव तो अनशॉर्टेड हो जाएगा, तो फाइव सिक्स इसको कर लिए, फिर फोर टू थ्री, इधर का पोर्शन शॉर्टेड है और इधर का क्या है अनशॉर्टेड, एक बार मैं लिख देता हूं, शॉर्टेड अनशॉर्टेड अनशॉर्टेड शॉर्टेड। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइव आया, सिक्स आया, फोर आ गया, फोर कब आएगा, फोर यहां पे आ जाएगा क्योंकि इधर हम लोग को शॉर्टेड लाना है, मतलब इधर शॉर्टेड लाना है मतलब एग्जैक्ट नंबर लाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फोर आ गया, फाइव आ गया, फिर सिक्स आ जाएगा, फिर हम लोग टू थ्री अनशॉर्टेड है तो ये शॉर्ट हो गया, फिर फोर आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, फिर क्या होगा फ्रेंड्स, ये टू को पहले जाएंगे, इधर हम लोग को शॉर्ट करना है, फोर फाइव सिक्स थ्री, अब इसको शॉर्ट करना है, टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, इधर वाला पोर्शन क्या आएगा शॉर्टेड, मतलब टू फोर फाइव सिक्स, देखिए कितना स्टेप लगा, टू स्टेप स्टेप फोर स्टेप में आ गया, हमका पांच वैल्यू था उसको हम लोग फोर स्टेप में क्या करके सॉल्व कर लिए। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को इंसर्शन सॉल्व भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप लोग मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के ऊपर आप लोग फिर से अगर वहां पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।